सोमवती अमावस्या का महास्नान है। 2.5 साल बाद हरिद्वार में किसी स्नान पर्व पर इतनी अधिक संख्या में श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। सड़कों से लेकर गंगा घाट और फिर पौराणिक ब्रह्मकुंड तक हर जगह सिर्फ लोगों की भीड़ ही नजर आ रही है। पौराणिक ब्रह्मकुंड पर रात 12 बजे से ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त तक गंगा घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरा गया। सोमवती अमावस्या स्नान का हिंदुओं में विशेष महत्व माना गया है। यही कारण है कि पहले तो सोमवती अमावस्या और फिर सोमवार को हुई इसके पड़ने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु इस दिन गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहते हैं। गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि सोमवती अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने का काफ़ी महत्व है। आज के दिन माँ गंगा में डुबकी लगाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंडित मनोज त्रिपाठी का कहना है कि जब भी कोई अमावस्या सोमयुक्ता अर्थात सोमवार के दिन पड़ेगी तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। वहीं आज के दिन वट सावित्री की पूजा का भी अधिक महत्व है। पति की लंबी आयु और घर में खुशहाली के लिए इस दिन महिलाएं वट की पूजा भी करती हैं। आज के दिन ही महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस दिन का एक अपना महत्व है, अमावस्या के दिन गंगा का स्नान करना। माता जी ने मुझे स्पेशली बोला था कि सुबह आपने जाना है और सुबह 5 बजे स्नान करके आना है। देखो आस्था है, पुरानी जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो कुछ ना कुछ है। बस स्नान ध्यान से बहुत पुण्य मिलता है और क्या, सारे पाप कटेंगे। और आज वट सावित्री का व्रत भी है तो इसलिए हम लोग आ गए हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं कंठल के। जब भी कोई भी अमावस्या सोमयुक्ता हो जाएगी अर्थात सोमवार के दिन अमावस्या पड़ेगी उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। हर अमावस्या बड़ी पुण्यदायी है, स्नान के लिए बड़ी पुण्यदायी है, पितृ कार्य के लिए बड़ी उत्तम बताई गई है। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है उसके पितरों को अनंत काल के लिए तृप्ति प्रदान होती है, वो बड़े आनंद में रहते हैं और व्यक्ति को आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कमी नहीं रह जाती। सोमवती अमावस्या का स्नान है, श्रद्धालु रात को 12 बजे से ही स्नान कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान किए। भीमगौड़ा बैरियर से लेके और शिवमूर्ति के आसपास से काफ़ी लोग यहाँ पे आए, काफ़ी श्रद्धालु आए और स्नान किए। और क्योंकि चार धाम यात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जो पिछला कांवड़ निकला है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उस हिसाब से हम लोग इवेलुएट कर लिए थे कि भीड़ ज़्यादा आएगी और उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी मात्रा में फोर्स की डिमांड भी की गई थी और फोर्स हमें मिली भी है। इसको 5 सुपर जोन में, 15 जोन में और 39 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है, जिससे कि सुचारू रूप से जो श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं उनको नियंत्रित करते हुए स्नान करा के उनके गंतव्य पे वापस भेजा जा सके।